हे गाइस, तो आप लोगों को पता है मैं जो डिवाइस यूज़ करता हूँ वो है आईपैड मिनी 6। और फाइनली आईपैड मिनी 6 में आ चुका है iOS 18 का अपडेट। तो हम लोग इसी अपडेट को करेंगे और देखेंगे इस अपडेट को करने के बाद हम लोगों के डिस्प्ले पे कोई ग्रीन लाइन इशू आता है या नहीं, या मदरबोर्ड का कोई इशू आता है या नहीं, और एक्सप्लोर करेंगे क्या कुछ नया फीचर आया है इस वाले iOS के अंदर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस देख सकते हो मैंने iOS को डाउनलोड पे लगा दिया है, और ये जब तक डाउनलोड हो रहा है और इंस्टॉल हो रहा है तब तक इसका की फीचर के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। iOS 18 के साथ बहुत सारा रॉकेट साइंस कुछ अपडेट तो नहीं आया, लेकिन इसके साथ एक चीज आया है, वो है कैलकुलेटर, जो कि मानने वाली बात होगी, जिसमें मैथ नोट हम लोग टेक कर सकते हैं। बाकी जितने भी फीचर आए हैं वो हम लोग 10 साल पहले से एंड्रॉयड में यूज करते थे। और एक चीज, iOS के अंदर गेमिंग मोड आ चुका है, तो इसका भी हम लोग रिव्यू करेंगे इसी वीडियो में। अगर डिवाइस मदरबोर्ड डेड नहीं हुआ और डिवाइस के अंदर कोई ग्रीन लाइन नहीं आया है तो, और नोटिफिकेशन का कंट्रोल सेंटर जो है इसको थोड़ा कस्टमाइज कर सकते हैं, वही सारा चीज आया है, बस इतना ही। तो फाइनली गाइस iOS 18 का अपडेट हो चुका है, और शुक्र करो कि हम लोगों के डिवाइस में कोई ग्रीन लाइन इशू देखने को नहीं मिला और मदरबोर्ड का कोई इशू देखने को नहीं मिला हम लोगों को। तो हम लोग एक बार एवोर्ड सेक्शन में जाके दिखा देते हैं कि इसका जो अपडेट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। फिलहाल ये डिवाइस जो है iOS 18 पे रन कर रहा है, तो आप लोग देख सकते हो, तो कोई ग्रीन लाइन इशू वगैरह देखने को नहीं मिलता इस डिवाइस के अंदर। ये है iPad mini 6। तो गाइस अभी हम लोग अपना मेन थिंग जो है कैलकुलेटर ऐप, इसको हम लोग देखेंगे। तो ये देख सकते हो कैलकुलेटर ऐप आ चुका है, इसके अंदर हम लोग जब क्लिक करेंगे तो साइंटिफिक नहीं, इधर जाएंगे मैथ नोट। तो मैथ नोट पे आने के बाद अगर हम लोग थोड़ा सा इक्वेशन लिखने की कोशिश करें, तो देख सकते हो मैं एक ब्रैकेट दे के लिख रहा हूँ इक्वेशन 5 + 2, उसके बाद इक्वल टू मैंने दे दिया, देख सकते हो 7 आ चुका है। इसके बाद अगर मैं पावर डालूं तो देख सकते हो चेंज कैसे होता है ये। उसके बाद आगे अगर प्लस करो कोई भी नंबर तो देख सकते हो कैसे ये जो है काम करता है। तो ये जो चीज है अल्टीमेट है, इसीलिए गाइस एप्पल को 10 साल लग चुका है अपना कैलकुलेटर आईपैड के लिए लाने में। इसके बाद और एक फीचर जो है गेमिंग मोड। तो गेमिंग मोड कैसे काम करेगा, जब आप कोई गेम ओपन करोगे तो ऑटोमेटिकली ये जो है देख सकते हो गेमिंग मोड जो है चालू हो जाएगा। आप इसको सेटिंग में या फिर कोई ऐप के रूप में कहीं पे भी ये देखने को नहीं मिलेगा। जब आप लोग गेम को ओपन करोगे तब देख सकते हो ये ऑन होगा या ऑफ होगा, तो आपके हिसाब से आप ऑन भी रख सकते हो, इसको ऑफ भी रख सकते हो, आपकी मर्जी। बट इसमें नॉर्मल एंड्रॉयड की तरह जो है ना ज्यादा कस्टमाइजेशन देखने को नहीं मिलता, जैसे कि एंड्रॉयड में हम लोग नोटिफिकेशन वगैरह ब्लॉक करते थे और भी बहुत सारा चीज जो देखने को मिल जाता था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। सिर्फ एक ही बात लिखा गया है कि बैकग्राउंड का जो एक्टिविटी है उसको कम करेगा, बस इतना ही। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं BGMI के अंदर, और हम लोग एक TDM मैच खेल के देखेंगे कि क्या इसका परफॉर्मेंस चेंज हुआ या नहीं, ये काम का है या नहीं। तो एक्चुअली मैं 2 दिन से इसको यूज कर रहा था, इसके गेमिंग मोड को टेस्ट कर रहा था। जैसा मैंने 2 दिन खेल के मतलब एक्सपीरियंस किया, इसके गेमिंग मोड पे कुछ फर्क नहीं आया, घंटा फर्क नहीं आया, जैसे एक्सपीरियंस था पहले उस वही सेम एक्सपीरियंस है। बाद में भी मुझे कोई सच डिफरेंस नहीं देखने को मिला। अगर आप लोगों को कोई डिफरेंस देखने को मिला होगा तो डेफिनेटली आप लोग कॉमेंट में बताना। और गाइज मैंने जो टेस्ट किया है सिर्फ BGMI के अंदर ही टेस्ट किया, अलग से कोई गेम खेल के टेस्ट नहीं किया, तो मुझे आइडिया भी नहीं है अलग गेम के ऊपर कैसा परफॉर्म करता है या नहीं करता है। वैसे भी सबको पता है कि BGMI में थोड़ा लैग ज्यादा ही करता है, एंड्रॉइड के लो या फिर iOS के लो, सभी डिवाइस में, जो कि BGMI में बहुत ही ज्यादा लैग हैंग करता है और FPS ज्यादा ड्रॉप हो जाता है। तो मुझे पता नहीं चला ये डिवाइस का इशू हो रहा है फिलहाल या फिर अपना गेम का ही इशू है, ये तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं ये एग्जैक्टली बता भी नहीं पाऊंगा। आप लोगों को अगर पता है तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट कर सकते हो, कमेंट में ज़रूर बताना। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।